40 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि नेता हमको ठग रहा है, तो आप ये भी समझिए कि आप और हम भी ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई आता है थोड़ा सा जाल, माया जाल फैलाता है, आप ठगे जाते हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि के मन में डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में परेशानी ये है कि जनप्रतिनिधि के दिमाग से वो डर ही चला गया है। आधे लोग लालू जी के बंधुआ मंजूर हो गए, आधे लोग मोदी जी के बंधुआ मंजूर हो गए। उनको भी मालूम है कि काम करें या न करें, आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, जब आप बंधुआ मजदूर की तरह किसी को वोट दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। आपके बच्चों का कुछ भला होने वाला नहीं है। आप जिताइए 40 MP अपना और देखिए कैसे यहाँ बुलेट ट्रेन बनता है। नहीं बनेगा तो 40 MP हम लोग करेंगे तो बना लेंगे दिल्ली में सरकार बिना बिहार के। बना पाएंगे? नहीं ना बना पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्ट्री हम लोग बनेगा, सूरत में बनेगा, चालू होगा, वो चाहेगा कि सूरत में चालू होगा तब आपको समर्थन दिया जाए। जो आदमी 17 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके 15 साल तो भाजपा के साथ रहा, वो आज हमको सर्टिफिकेट दे रहा है। तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्राप्त होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के MP हैं। तो अगर आपने NDA छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ का है नहीं रहे, उस पद को छोड़िए या उस MP को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। वो भी समझ रहा है लोग कि विकल्प के अभाव में 30 साल से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं। जनता जग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी खत्म, द एंड।